बिहार के धरनी शहर में अग्नि तांडव के प्रकोप में आकर 17 दुकानें जलकर खाक हो गई, जिससे लगभग 3 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 20 तारीख को सुबह 4 बजे लगी यह आग की वारदात शहर की अब तक की सबसे बड़ी घटना है। साथ ही बताया जा रहा है कि घटना में किसी भी प्रकार की जीव हानि नहीं है। एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण 20 तारीख की सुबह 4 बजे धारनी बस स्टैंड के पास एक दुकान में अचानक आग लगी। इस घटना का पता चलते ही दुकान के सभी व्यापारी और धारनी के सहायक कलेक्टर मिताली सेठ, सहायक जिला पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम, साथ ही मेलाघाट के विधायक राजनाथ पटेल के साथ सैकड़ों नागरिक घटनास्थल पर पहुंच गए। धारनी नगर पंचायत के अग्निशामक दल के साथ नागरिकों ने 2 घंटे के भीतर आग पर काबू पाने का अथक परिश्रम किया, जिसके बाद तुरंत ही मध्य प्रदेश, बुरहानपुर, खंडवा और चिकलदरा से अग्निशामक दल ने धारनी में प्रवेश किया। बताया जा रहा है कि आग के कारण 17 दुकानें जलकर खाक हो गई, जिससे कुल 2 से 3 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। लगभग 3:15 बजे के आसपास में आग लगी है और मेरे हिसाब से शॉर्ट सर्किट है। इसमें कपड़ा और जूते चप्पल में फर्स्ट टाइम आग लगी और उसके बाद में कपड़ा और जूते चप्पल के बाद में जो जलेबी की दुकान थी वहाँ सिलेंडर थे। सिलेंडर के लीकेज होने के कारण ये आग ने काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो गई बहुत ज़्यादा और लगभग 16-17 दुकानों को इनका अपनी आग की चपेट में ले लिया है। लाखों से करोड़ों रुपये के समथिंग के नुकसान है। यहाँ पे यानी जो व्यापारी वर्ग है, जो यानी एक नामी ग्रामी दुकानें थी ये मार्केट में, यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए के इनके सबके पास में अपने अपने माल रखे रहते थे, लेकिन आज देखेंगे हम पूरी तरह पूरा खा हो चुका है। तो मैं वो शासन से और उनसे सबसे यही अनुरोध करूँगा कि भाई इनको जो यानी नुकसान हुआ इसकी पूरी भरपाई तो नहीं मिल सकती है, लेकिन इनको जो भी मिले यानी शासन की तरफ से मदद जल्दी मिल गई कि ताकि वापस से इनका व्यवसाय और भी चालू हो सके, बस इतना मैं बोलता। काफ़ी दुकानों का है इंश्योरेंस, काफ़ी लोगों का नहीं है। कैसा क्या अभी सब जागरूक नहीं है ना, बाकी लोगों का इंश्योरेंस है बाकी लोगों का नहीं है, लेकिन सभी को उसका मिलना चाहिए।